तो हे गाइस, आज मैं हॉलीवुड मूवी द गर्ल नेक्स्ट डोर को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये मूवी 2007 में रिलीज की गई थी। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये मूवी जो है एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक लड़की को मतलब उसके सौतेली माँ कैसे टॉर्चर करती है। तो मूवी की शुरुआत में एक एजेड आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है। और वो आदमी जो होता है वो रोड पे आता है, मतलब चलते हुए आ रहा है, और उसके पास से एक बुजुर्ग आदमी गुजरता है जो असहाय है। और फिर क्या होता है कि उस बुजुर्ग आदमी को एक कार वाला मतलब धक्का दे के निकल जाता है। और फिर क्या होता है कि डेविड पीछे मुड़कर देखता है कि वो बुजुर्ग आदमी गिरा होता है, तो वहाँ जाकर उसको उस बुजुर्ग आदमी मदद करता है डेविड। और उसके बाद क्या होता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, और उसके बाद डेविड अपना घर आ जाता है। और फिर मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेविड मतलब शराब पी रहा होता है और अपने बचपन की बातें को याद कर रहा था, मतलब वो बचपन में किसी लड़की से प्यार करता था। और फिर यहाँ से मतलब मूवी के स्टोरी फ्लैश बैक होता है, डेविड के बचपन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की मिलती है जिस लड़की को मतलब टॉर्चर किया जाता है, और उसी लड़की से डेविड को प्यार हो जाता है। तो यही सब सोच रहा था। और यहाँ से मतलब मूवी फ्लैश बैक होती है कि जब डेविड बच्चा था तब वो मतलब नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था, तो वहाँ पर एक मेघ नाम की लड़की आती है जो उससे बड़ी होती हैं लेकिन मतलब ठीक ठाक होती हैं। तो वो आती हैं तो फिर उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बोलती हैं मैं मेघ हूँ। और फिर इन दोनों में दोस्ती हो जाते हैं। और फिर डेविड होता है वो इसके हाथों को देखता है जिस पर कुछ चोट का निशान होता है, तो मेघ से पूछते हैं कि ये कैसा निशान है। तो मेघ बताती हैं कि ये मेरा मतलब एक्सीडेंट का निशान है, जब मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं बच गई थी और मेरा ये निशान रह गया था, और मैं यहाँ आंटी के पास आई हूँ। इसके बाद डेविड बोलते हैं कि तब तो तुम मेरी पड़ोस की रहने वाली हो, क्योंकि मेघ की आंटी जो होती हैं वो भी डेविड के पास में ही रहती थी, इसलिए ऐसा बोलता है डेविड। और इसके बाद इन दोनों में मतलब काफ़ी अच्छा दोस्ती हो जाती है, और डेविड जो होता है वो मेक के घर जाने लगता है अक्सर। और मेक के आंटी का नाम था मिसेस रूथ, और रूथ के 3 बच्चे थे। और ये जो मेक थी ये अपने बहन के साथ मतलब इसके असली जो बहन थी सुजैन के साथ मतलब अपने आंटी के यहाँ रहने आई थी। इसके बाद डेविड जो होता है वो टोनी और मतलब और भी मोहल्ले के बच्चे के साथ और कुछ लड़की जंगल में जाते हैं और वहाँ पर एक गेम खेलते हैं, और उस गेम में मतलब एक लड़की की आँख पर पट्टी बांध दिया जाता है, और फिर वो लड़की खेल में हार जाती हैं। उसके बाद शर्त के मुताबिक तो उस लड़की को मतलब उसके साथ मतलब और भी लड़के गंदे गंदे बिहेव करते हैं, मतलब गंदे गंदे वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं और उसे और भी सांपों से डराते हैं, जिससे वो लड़की मतलब डर जाती है। उसके बाद ये गेम ख़त्म होने के बाद डेविड अपने घर आता है और फिर मैक से मिलता है। तो मैक से पूछता है कि तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करती हैं, तो मैक बोलती हैं कि कुछ खास नहीं बस चल रहा है। इसके बाद मूवी के दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैक के जो आंटी होती हैं रूथ, वो मतलब अपने बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब खुलम खुला है, मतलब आप समझते ही होंगे मतलब सेक्सुअल बातें खुलम खुला करती हैं, और अपने बच्चों को मतलब काफ़ी ज़्यादा छूट दे रखी है, मतलब शराब बीड़ी सिगरेट सब कुछ मतलब खुलम खुला पीती हैं, और उनको भी मतलब पीने को बोलती हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं उनके बच्चे। इसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन डेविड दुकान पर जाता है, वहाँ पे बर्गर खरीदता है अपने लिए, तभी मैक आ जाती है और मैक बोलती है कि मुझे भी चाहिए क्योंकि मैं 2 दिन से खाना नहीं खाई हूँ, क्योंकि मेरी आंटी ने मुझे खाना नहीं दिया, क्योंकि वो बोल रही है कि तुम मोटी हो रही हो इसलिए खाना मत खाओ। तो मैक उसे अपने बर्गर दे देता है और बर्गर खाती हैं। इसके बाद डेविड जो होता है वो मैक से पूछते हैं कि तुम्हें क्या क्या आता है, मतलब कुछ आर्ट आता है, तो बोलती है मैक कि मुझे पेंटिंग करना आता है। तो बोलते हैं कि क्यों ना तुम अपने पेंटिंग के ज़रिए अपने आंटी को इम्प्रेस करो। तो वो बोलती है कि नहीं वो नहीं मानेगी। तो फिर वो बोलता है कि तुम मेरे लिए बना सकती हो, तब मैक राज़ी हो जाती हैं। और फिर दूसरे दिन मैक जो होती हैं इसके लिए एक पेंटिंग बनाकर इसको लाकर मतलब इसके घर आकर दे देती हैं। फिर डेविड उस पेंटिंग को मतलब बिना देखे उसके आंटी को दे देता है जाकर, ताकि वो इसके आर्ट को देखकर मतलब खुश हो जाए। लेकिन आंटी जब वो आर्ट देखती हैं पेंटिंग, तो खुश होने के बजाय मतलब बहुत गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि उसमें उस पेंटिंग में मैक का ही मतलब नदी किनारे का एक आर्ट किया गया था, मतलब एक लड़का का जो डेविड ही था। तो इसे देखकर मतलब वो मैक को मतलब भला बुरा कहने लगती हैं, बेसवा कहने लगती हैं। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैक जो होती हैं अपने 3 कजिन के साथ खेल रही होती हैं। तो सबसे छोटा वाला कजिन जो था कैफ, वो इसके चेस्ट को पकड़ लेता है मैक के। इस पर मैक जो होती हैं गुस्सा हो जाती हैं और गुस्से में चट्टा मार देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद टोनी जो होता है वो मिसेस रूथ से आकर बोल देता है कि मैक जो है वो कैफ को मारी,
इस पे जो होती है मिसेस रूथ, वो गुस्से में जाकर मतलब सुजैन उसकी बहन मैग की बहन से पूछती हैं कि क्या ये सच है। तो उस पर सुजैन बोलती हैं कि नहीं, पहले कैफे ने ही उसके चेस्ट को पकड़ा, इसी में गलती हैं। इस पर वो गुस्से में आकर सुजैन को ही मारने लगती हैं, क्योंकि सुजैन जो होती हैं वो तो मैग के बहन है ना, इसलिए उसे लगता है कि इसे सज़ा मिलना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि मैग जो होती है अपने आंटी से परेशान होकर मतलब एक पुलिस से कंप्लेन करती हैं कि उसकी आंटी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, और ये बात मतलब बिल्ली को पता चल जाता है। तो और बिल्ली आकर मिसेस रूथ से बोल देता है कि ऐसे ऐसे मैग कर रही हैं, और इसके बाद मिसेस रूथ जो होती हैं वो बोलती हैं कि आगे से ऐसा ना करें, मतलब पुलिस कंप्लेन ना करें। इसके बाद क्या होता है कि उधर डेविड जो होता है अपने घर पे मतलब अपने माता पिता से बोलते हैं कि वो मतलब मिसेस रूथ के घर सोना चाहता है। इस पर उसकी माँ मतलब मना कर देती हैं, लेकिन उसके पिता हाँ बोल देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब डेविड मिसेस आंटी के घर आता है, वो रूथ के घर, तो क्या होता है कि देखता है कि वो आंटी जो होती हैं वो मैग को घर में ही उसके दोनों हाथों को बांध कर उसे ज़मीन पर लटका देती हैं, मतलब नीचे की तरफ, और फिर उसके नीचे पैर के नीचे मतलब बुक रख देती हैं, और बुक को धीरे धीरे हटाने लगती हैं, जिससे मैग जो होती हैं वो लटक जाती हैं, जिससे वो दर्द होने लगता है। उसके बाद मिसेस रूथ जो होती हैं वो अपने बच्चों से बोलती हैं कि इसके कपड़े को मतलब उतार दो। तब टोनी आता है और मैग के पास उसको एक चाकू से उसके शरीर के सारे कपड़े को उतारने लगता है धीरे धीरे, और फिर उसे मतलब बिना कपड़े का कर देता है मैग को। और फिर क्या होता है कि मैग को मतलब वो छूने का कोशिश करता है, तब मिसेस रूथ जो होती हैं वो बोलती हैं कि इसे मत छुओ, कि वो खुद को गंदा कर रहे हो, क्योंकि वो बेसुआ है, और उसे छूने से मना कर देती हैं। फिर क्या होता है कि वो मिसेस रूथ वहाँ से चली जाती हैं, और सारे बच्चे भी चले जाते हैं, और भी मोहल्ले के बच्चे होते हैं, और फिर सारे बच्चे और मिसेस रूथ के बच्चे प्लान बनाते हैं कि रात को मतलब मैग को मतलब नंगे देखे, मतलब बिना कपड़े के। और फिर क्या होता है कि डेविड जो होता है मतलब वो भी साथ में था, लेकिन वो मना कर देता है कि ऐसा ना। रात को ये सभी लड़के जाते हैं मैग के पास, और बिल्ली जो होता है मिसेस रूथ का लड़का, वो मैग को छूने लगता है। तो मैग बोलती हैं कि मैं आंटी से बता दूंगी, और जिस पे वो बिल्ली होता है वो दूर हट जाता है मैग से, और इसके बाद मतलब सुबह हो जाती है। और फिर क्या होता है कि सुबह जब होता है तो डेविड अपने घर जाता है और पिता से बोलता है अपने कि क्या मतलब औरत पे हाथ उठाना सही है। तो उस पर उसके पिता बोलते हैं कि नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हाथ उठाना चाहिए। और इसके बाद क्या होता है कि मैक जो होता ही है वो मतलब उसी तरह बंदी होती हैं, और फिर डेविड उसके घर आता है। तो फिर क्या होता है कि वो मिसेस रूथ से जाकर बोलता है कि वो ऊपर जाकर मतलब एक पुलिस आया है उससे बात कर ले, क्योंकि मैक ने इसके खिलाफ जो है वो मतलब कुछ दिन पहले पुलिस वाले से कंप्लेन की थी कि उसकी आंटी मतलब उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, जिसकी वजह से वो पुलिस यहाँ उसके आंटी के घर पे पूछताछ के लिए मतलब आया था। इस पे मतलब जो रूथ होती है वो आंटी वो मैक को छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं, और फिर डेविड को मौका मिल जाता है, और वो बोलते हैं कि देखो मैं रात को दरवाज़ा खोल दूंगा, और ये लो कुछ पैसा लो और ये चाकू लो, और तुम यहाँ से खोलकर मतलब यहाँ से मतलब बाहर आ जाना, और हम दोनों भाग चलेंगे यहाँ से। और इस पर जो मैक होती है वो मना करती हैं, फिर वो बोलती हैं कि ये पैसा मतलब बाहरी पत्थर में रख दो और ये चाकू दे दो। चाकू देकर वहाँ से डेविड चला जाता है। और फिर क्या होता है कि डेविड जब दूसरे दिन आता है घर पर, तो डेविड देखता है कि जो आंटी है वो अपने बेटे बिल्ली से वो मैक का रेप करवा रही होती हैं, और वो बिल्ली होता है वो मैक के बॉडी पर बैठा होता है। और ये सब देखकर डेविड जो होता है सहम जाता है। और फिर क्या होता है कि डेविड को बोलती है वो आंटी कि तुम भी इसके साथ रेप करो, लेकिन डेविड मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे जाने नहीं देते हैं। आंटी के बेटे उसके गर्दन पर चाकू रख देते हैं, और वहीं पे मतलब डेविड बेहोश हो जाता है। और फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब डेविड को होश आता है तो देखते हैं कि सब वहाँ से चले गए हैं, और सुजैन मतलब वहाँ अपने बहन के साथ मैग के साथ मतलब बैठी हुई हैं, और मैग वहाँ पे लेटी हुई थी। और फिर डेविड जैसे तैसे अपने को छुड़ाता है, क्योंकि इसके हाथ रस्सी से बंधे होते हैं, और फिर उसके पास जाता है, और वहाँ जाकर देखते हैं कि मैग जो है वो अधमरी पड़ी हुई है, क्योंकि उसको मतलब उसके आंटी ने बहुत काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था, रेप तो करवाई थी, उसके शरीर पर टैटू भी बनवा दी थी कि ये मतलब गंदे वर्ड लिखवा दिए थे, मतलब उसी ने लिख दी थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि उसके मतलब प्राइवेट पार्ट को भी जलाई थी आंटी ने,
जिसकी वजह से मतलब अधमारी हो गई थी मैक ने, और मैक को मतलब ये सहलाता है डेविड। और फिर क्या होता है कि डेविड से मैक बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और डेविड भी बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर दोनों मतलब मिलते हैं। इसके बाद डेविड जो होता है वो पूरा गुस्से में हो जाता है, और वो आंटी जो होती है मैक के उसको मारने का प्लान बनाता है। और फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद उसके आंटी आती हैं उस कमरे में, और डेविड जो होता है वो छुपा होता है, और एक बेलचा होता है लोहा का, उसी को उठाकर वो आंटी को ताड़ा तोड़ एकदम मार देता है उसके सर पे, जिसकी वजह से आंटी वहीं पे मतलब लुढ़क जाती हैं। और आंटी का तो लग गया, और फिर आंटी के बच्चे जो होते हैं वो तीनों आ जाते हैं, और एक जो होता है उनमें से वो आकर उसको मारने लगता है डेविड को, और इसके गर्दन पर चाकू रख देता है, और इसको मारने वाला होता है तभी पुलिस आ जाती है। इसके बाद पुलिस आती है और आंटी के सारे लड़कों को अरेस्ट कर लेती हैं, और डेविड सारी सच्चाई बता देता है कि ऐसे ऐसे मतलब वो मैक इस लड़की को इसने टॉर्चर की इस आंटी ने। और इसके बाद यहीं पर मूवी समाप्त हो जाता है। और गाइस ये सच्चा घटना पर आधारित है, क्योंकि ये मतलब कहानी रियल में हुआ है। तो गाइस यहीं